हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल आलू और प्याज के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं सारे सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे जो आपका पराठा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। सो देखते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले पराठे का डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये बन बोल आटा लिया है। इसमें ये हाफ टी स्पून कैरम सीड या फिर अजवाइन को ऐड करना है, हाफ टी स्पून या फिर स्वाद के अनुसार नमक, हाफ टेबल स्पून ये ऑयल है। मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जितना पानी की ज़रूरत हो उतना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए और इसका सॉफ्ट डो लगाना है। डो टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब स्टफिंग करेंगे तो स्टफिंग इसकी बाहर आ जाएगी और पराठा अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए जो डो है उसको सॉफ्ट रखना है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए लगाएंगे आटे को। देखिए अच्छे से मैश करेंगे इसको और इस तरीके से चिकना होने तक इसको गूंदना है। पराठे के लिए मैंने एकदम सॉफ्ट डो लगाया है जिससे जब स्टफिंग करेंगे तो इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। ये देखिए डो लग के एकदम रेडी है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक पराठे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग का मसाला घर में ही तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा जीरा लिया है, इसको रोस्ट करना है हल्का सा। थोड़ी सी ये सौंफ है, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। थोड़े से ये धनिया या फिर कोरिएंडर सीड, ये 10 से 15 काली मिर्च है, रोस्ट करना है हल्का सा। 2 से 3 मैंने ये लौंग लिए हैं, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मसालों को रोस्ट करके डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और जो घर के मसाले यूज़ करेंगे इससे जो पराठे का टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, इनको हल्का सा ठंडा करके क्रश कर लेंगे या फिर पीस लेंगे। पराठे की स्टफिंग के लिए मैंने ये पैन रखा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ये जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, ये थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सॉटे कर लेंगे। आप चाहे तो स्टफिंग को ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन रोस्ट करके जो इसका टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। थोड़े से ये कटे हुए प्याज, उनको भी हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इस तरीके से ये बॉयल पटेटो हैं, इनको मैंने मैश कर लिया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को भून के यूज़ करेंगे तो जो पराठा है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये जो मसाले भुने थे उनको मैंने क्रश किया था, ऐड कर लेंगे। थोड़े से ये चिली फ्लेक्स हैं, आप चाहे तो ऐड कीजिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा ये नमक है, थोड़ा सा ये आमचूर पाउडर और चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है, थोड़ा सा ये गरम मसाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस को। तरीके से अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट तक जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये कटे हुए थोड़े से धनिया हैं, इनको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से भून लिया है, स्टफिंग बन के एकदम रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, तब तक जो डो लगा के रखा था उसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। और इस तरीके से रोल करते हुए लोई बना लेंगे इसकी। अभी पराठे को बेल लेंगे। मैंने एक लोई को लिया है, इसको इस तरीके से हल्का सा रोल करना है इस तरीके से थोड़ा सा, और इसमें ये स्टफिंग डालेंगे।
और स्टफिंग को डाल के इस तरीके से चारों तरफ से ला के इसको इस तरीके से क्लोज़ करना है। और इसमें जो क्लोज़ करने के बाद में एक्स्ट्रा पार्ट बच जाएगा उसको निकाल देंगे इस तरीके से। इससे जो आपका पराठा है एकदम इवन बनेगा, एक जगह पे ज़्यादा आटा इकट्ठा नहीं होगा। और हाथ से थोड़ा सा करके इस तरीके से हल्के हाथ से इसको रोल करना है, देखिए चारों तरफ से, जिससे जो आलू की स्टफिंग है वो एकदम इवन रहेगी पूरे पराठे में। इसी तरीके से पराठे को बेल लेंगे। ये देखिए मैंने पराठा बेल लिया है, अभी इसको सेकेंगे। मैंने तवे को ग्रीस कर लिया है ऑयल से और हल्के से पराठे को डाल देंगे तवे पर। थोड़ा सा सिकने के बाद इसको पलट देंगे और इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे करेंगे तो नीचे से पराठा जल जाएगा। देखिए इस तरीके से अच्छे से सेकना है। इस तरीके से प्रेस कर लेंगे चारों तरफ से और अच्छे से सेकेंगे पराठे को। ये देखिए इसी तरीके से पराठा सिक चुका है। गर्मा गर्म पराठे को आप अपनी पसंद के हिसाब से दही, रायते, चटनी या फिर अचार के साथ में सर्व कीजिए। थोड़े से मैंने आम भी कट किए हैं, थोड़ा सा ये अचार है। ये देखिए एकदम ढाबा स्टाइल मसालेदार पराठा बनके तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा ये बटर डालेंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।